दूल्हा नंबर वन ये है, ये दूल्हा नंबर टू, ये है जी तीसरे नंबर जो दूल्हा साहब है। मुबारक हो सही, खैर मुबारक, उम्र कैद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम हैं बोस्की में, इसे कहते हैं लट्ठे की शलवार और बोस्की की कमीज, और साथ वेस्टकोट भी अच्छा लगता है। असल में इसे ही पाकिस्तानी ड्रेस कहते हैं। तो आज इस बोस्की में मैंने तीन शादियां अटेंड करनी है, एक वलीमा, दूसरा भी वलीमा और तीसरा निकाह है। तो रेडी हो गया हूँ और अब निकल रहा हूँ फर्स्ट वलीमे के लिए। एज़ यू नो गाइस, दिस इज़ मंथ ऑफ मार्च, मतलब मौसम अच्छा है और तो शादियों का मौसम है, तो इसलिए आजकल शादियां भी हो रही हैं और शादियों का सीज़न भी है। तो आजकल हम लोग शादियां अटेंड कर रहा हूं मैं, फैमिली में शादी हैं, कुछ दोस्तों की शादी हैं। हमारी शादी तो पता नहीं अभी किस्मत में है कि नहीं, बहुत देर है क्योंकि भैया अभी हमने स्टडी कम्प्लीट करनी है। तो चलो किसी और की शादी ही खाते हैं। तभी मैं जा रहा हूँ शादी के लिए निकल रहा हूँ, और फिर उसके बाद आके एक और वली में उधर जाना है और शाम को निकाह है। चलें जी फिर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सो हियर वी गो। सो फाइनली आई एम अराइव्ड जी। दूल्हा नंबर वन ये है, और ये काशी भट्टी साहब हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनकी भाई की शादी है। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, कैद ठीक है सर। सो गाइस, शादी नंबर वन मिशन कंप्लीटेड। इधर मैं थोड़ी देर के लिए आया था क्योंकि शादी का जो टाइमिंग है वो सेम है, तो दूल्हे साहब से मिले हैं, उन्हें मुबारक दी है, और अब मैं जा रहा हूँ दूसरी शादी की तरफ। आज का दिन ऐसा हुआ है कि तीन चार शादियाँ इकट्ठी आ गई, और वो भी संडे को सेम टाइमिंग पे। पहले जो शादियाँ होती थी शाम को होती थी, शाम के टाइमिंग, अभी आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा हो रहा है कि दोपहर को सब वलीमा रख रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, टाइम पे हो जाता सब कुछ। तो अभी मिशन नंबर वन कंप्लीटेड और मिशन नंबर टू पे अब हम चलते हैं, वहाँ थोड़ा जाके बैठेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट टू, और इससे पहले कि लेट हो जाए भाग जाता हूँ गाड़ी में बैठ जाता हूँ। सो फाइनली आई हैव अराइव्ड, और ये है दूल्हा साहब की गाड़ी। अभी हम लोग अंदर पंडाल में चलते हैं जहाँ सब मेहमान आए हुए हैं। रश तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। जो हमारी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, तो फैमिली के लोग भी आए हुए हैं और दोस्त वगैरह भी आए हुए हैं दूर दूर से। तो ये आपको यकीनन अभी थोड़ी गाड़ियाँ ही आपको दिखाई हैं, वरना तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग पंडाल के अंदर चलते हैं। हमारे साथ वीडियो भी बना लें जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम मीटिंग होगी। ये दूल्हा नंबर टू है, पहला कड़ा पहला मेल सी बता रहे। सो गाइस, मिशन टू कंप्लीटेड एंड इट्स टाइम फॉर मिशन थ्री। तो अभी हमारा जो तीसरा काम रहता है अभी हम लोग वो कंप्लीट करते हैं। मैं उधर आ गया हूँ अभी, और डेट फिक्स है और निकाह है, तो उसके लिए आए हैं। अभी हम लोग वहाँ चलते हैं, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, और आज सारा दिन मेरा शादियों में ही गुजार रहा है। अच्छा दिन गुजार रहा है वैसे, अच्छा लगता है, आप इंटरटेन होते हो, लोगों से मिलते हो, काफ़ी अर्सा होता है लोगों से मिले नहीं होते, तो आप लोगों से मिलते हो, थोड़ा इंटरटेन होते हो। तो अभी चलते हैं हम लोग बाहर, चलें जी। सो बिफोर वी कंटिन्यू आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग, रियली इट्स नाइस यार। ये जी एक कार्ड है, शादी कार्ड है, और जस्ट लाइक पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, रियली इट्स अ नाइस। तो ये एक नई चीज़ है जो कि इस तरह के मैंने कार्ड कभी भी नहीं देखे, तो ये एक नई चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है इन्होंने, जिसने भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। ऐसे एक नई चीज़ है, अगर आप लोग देखें कि ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट की टाइप आपको दे, ये देखें जी ये पासपोर्ट टाइप है, साथ ये लिखा हुआ है बोर्डिंग पास, तो ये अच्छी चीज़ है। इन्होंने ऊपर ये देखें जी वलीमा और मेहंदी का, सो इट्स रियल नाइस, जिसने भी बनवाया है गुड आइडिया। दिस इज थर्ड लोकेशन। नहीं एक मिनट यार, मेरा आज मुझे YouTube का एक फ़ैन मिला है यार, बड़ी खुशी मेरे आज मुझे हो रही है, मेरा फ़ैन मुझे मिला है YouTube का।
थैंक यू भाई, इतना प्यार करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमें मिले इतने अरसे बाद। चले और इंशाल्लाह देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह। ओके, ये है जी तीसरे नंबर जो दूल्हा साहब है। मुबारक हो सही। आए खैर मुबारक। उम्र कैद मुबारक हो। इनका निकाह हुआ है। निकाह हमने पढ़वा दिया और नेक्स्ट मंथ इनकी शादी है इंशाल्लाह, उसमें भी आपको शरीक करेंगे। और आज हमने तीन शादियां अटेंड की आज ना मैंने। चलें जी अंदर, चले आ जाओ। चलें जी, आज ये तीन शादियां थी, एक सुबह, फिर दोपहर और रात के वक्त। और अब हम लोग हो गए हैं फ्री। तीन शादियां हमने इंजॉय कर लिए इकट्ठे और अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, निकाह भी हो गया है, डेट फिक्स भी हो गया, नेक्स्ट मंथ शादी है। और अब हम लोग गपशप करते हैं कज़न्स के साथ। शर्मा क्यों रहे हो? और आज का व्लॉग फिर इधर ही ख़त्म करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।